का जो साइड लुक है ना, वो जो बंदा लगता है ना, शगुनी मामा, वैसा किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया ये पहले? काम कर सकते हो मेरे लिए एक आंख ऐसे छोटी नीचे करके बता, ऐसे बोल सकते हो मेरे बच्चे? अच्छा ये मेरे, आपको भी वही डर लग रहा है जो मुझे लग रहा है? गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सभी प्यार से होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घर में। एक तो मेरे ऐसे पता नहीं क्यों जब भी मैं बैक कैमरे से व्लॉगिंग करती हूँ मेरी जी लड़खड़ा जाती है और मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या बोलना है, लेकिन आज फ्रेंडशिप डे है तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और मेरे पास तो कोई भी नहीं है फ्रेंडशिप डे पे, क्योंकि मेरे दो तीन दोस्त जो गिन चुनिंदे दोस्त है वो सारे अपने अपने कामों में व्यस्त और इतने बदतमीज हैं कि मुझे विश भी नहीं किया। बट कोई बात नहीं यार, मैं समझती हूँ, कुछ नहीं समझ रही मैं। नहीं नहीं यार, मेरे को भी बहुत सारा काम है, आई एम ऑल्सो बिजी पर्सन। मेरे को आज एक ब्रांड को वीडियो बना के देनी है, सच कह रही हूँ, ब्रांड को वीडियो बना के देनी है जो कि फ्रेंडशिप डे के ऊपर ही है। एंड आज हमें सबसे अच्छी चीज बाल कलर कराने जाना है और मुझे वैसे सजेशंस चाहिए कि मैं कौन से बाल कलर कराऊं। सोच मैंने पहले से रखा है कौन से कराने हैं। यार तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा, गुरु जानदर जा भी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आज फ्रेंडशिप डे है तो मैं सोच रही हूँ मम्मी गुरु और पापा के साथ बाहर घूमने के लिए जाऊँ। मेरे कौन है मेरी जिंदगी में दोस्त, तुम बताओ कोई है? मतलब मम्मी और गुन्नू से ही सबसे ज्यादा फीलिंग बेस्ट फ्रेंड वाली आती है, और बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है आप जिससे सारी बातें शेयर करो। गुन्नू अभी अंदर जा प्लीज, प्लीज अंदर जा। मामा पता ही है ना ऐसी करती यार, एक ही घर है ऐसे भाग, तो तीन चार ले ले काम के लिए आप। यार इसके लिए गुन्नू बोल भी नहीं, सरप्राइज कर रही हो यार। पता है इस बंदी के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसकी फिर दुंगली से चाटे लगेंगे बर्थडे वाले टाइम पे। चल चल, अगर तू तीन तक गिनने में नहीं गई तो दूंगी नहीं। मैंने सोचा गुन्नू के लिए इयररिंग्स लेंगे हम गोल्ड के, क्योंकि उसको चाहिए थे। और जैसे मैं वो एमी वाले इयररिंग्स पहनती हूँ ना, जो थोड़े से हैंगिंग वाले होते हैं, वो इयररिंग्स उसको बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसमें कुछ उसके लिए मियाँ भाई तनिष्क या कैरेट लेन से जहाँ से भी अच्छे लगेंगे वहाँ से लूंगी। बस आज गुन्नू के लिए गिफ्ट हो गया यार, मम्मा को तो देती रहती हूँ। ट्रेनर ने बोला है कि आपको बहुत हेल्दी और बहुत अमीरों वाला सूखे सूखे ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, बहुत अच्छा तगड़ा वाला ब्रेकफास्ट करना है जिसमें आपको ओट्स खाने हैं दूध डाल के और ये सारी चीजें। उसने बोला है आपको ओट्स खाने हैं दूध डाल के, और मैं इसमें आज अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और अच्छे से कुछ करूंगी। मम्मी दूध पड़ा है यार, मम्मा पता है इसलिए मेरे को आलस आता है और मैं कुछ भी नहीं बना पाती अपने लिए। गुनू आप ले आओगे प्लीज आके, तो ब्लिंकेट करवा दो यार। मम्मी आप मेरे से क्यों फोकी पड़ी यार, अपने रात के 12 बजे पहले तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे माय नौटंकी बाद। यार मम्मा अगर एक दिन हल्का सा लेट क्या हो गया, आप तो मेरे से बात ही नहीं करते सुबह से, पता बात नहीं करी। कह रही ये गंदी लड़की है, क्यों? क्योंकि 9 बजे उठी है। एक काम करो, यहाँ पे जेलर बन जाओ और हमें वो जो उसमें नहीं मारता था वो हिटलर बैल का मारा करो। पापा मुझे जैसे कह दियो, वो तो बस क्या ही बोलूं, कोई घर में भी ना रखे। मेहंदी नहीं है, स्केच पेन से ऐसे ही बनाया था। और जब भी मन करेगा तब ये लगा सकते हैं। वो कर लियो क्या, खाना वाना खा लियो टाइम से, कल की तरह मत मरियो। अभी मैं अपने आप अपने लिए कुछ सूखे फ्रूट्स लेने जाऊंगी और दूध लेने जाऊंगी। कहने को ये बच्ची और महंगे बड़ी सोसाइटी है, महंगी दीदी फ्लैट है साला क्या? कुछ नहीं, कहने को ये अच्छी सोसाइटी है, क्या अच्छी सोसाइटी है, दीदी फ्लैट है साला। या तो फल भी अच्छे नहीं मिलते, फल भी पता इतने सूखे, चार ऐसे करके सेब रखे रहेंगे छाट लो, और चार सेब कितने की 200 रुपए किलो। पता नहीं इस दुकान वाले को हमसे अलग क्या भसड़ है, दुनिया भर की सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबके यहाँ दूध पहुँचाता है टाइम पे, ये लोग इसको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं क्या? हमें तो पैदल अपने दो पैरों पे चल के जाना पड़ता, मन भी ना हो तो। मेरे उठा बेटा दूध कौन सा लेते हैं हम, पता है? पता है नहीं पता, ये वाला या ये वाला? ये ले पकड़ियो गुनू, उधर मत जा चीज खाने, अभी बता दूंगी तेरे को। मेरे हाथ से उठाया नहीं जा रहा गुनू, नाखून की वजह से उठाइयो। गुनू कुछ नहीं ले सकते गुनू, अगर यहीं पर ही पिटना है क्या? नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, नहीं इसको उठा चलो अभी। गुनू ने ना पीछे खड़े होकर कितनी बदतमीज वाली चीज की मेरे साथ, इससे ना मेरे है ना पीछे ना ऐसे करके ना मुक्के मारे थे और एकदम से गलत मुक्का लग गया बहुत ही तेज, तो मैंने ना जैसे थप्पड़ मारा ना उसमें दर्द नहीं हो पर आवाज इतनी तेज है पट, तो भैया ने देख के चटपट, तो भैया ना देख के पता क्या करे, भैया देख के सीधा ऐसे करके बोलो कह रहे ओ नाइस, ये नहीं नाइस कह रहे नाइस, और इसको इतनी एम्बेरसमेंट होगी भैया के आगे, कह रही घर चलो तो बताऊंगी आज के बाद, अगर हाथ लगा ना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। कौन है ये लफ्जा सचिन?
ये देखो वोट फॉर एल्विश यादव ना, सिस्टम सिस्टम हर जगह सिस्टम। पर यार मेरे को तो देखो यार, मेरे को तो यार यूट्यूबर को ही सपोर्ट करना है, तो मेरी तरफ से तो वोट जाता है अभिषेक को, बिकॉज़ एल्विश भी तो एल्विश ही एल्विश एल्विश उठवा देगा, मेरे चैनल पर उठा देगा। एल्विश भी भैया आप भी सही हो, मतलब आप एकदम मस्त हो। अभिषेक जी भी बहुत अच्छे हैं, मेहनती है, तो मेरा वोट अभिषेक। कितने सारे वोट्स बनाए आपने? ये मेरे लिए इतना काफी है। अपने आप से खाना बना के जब आप खाते हो और वो भी हेल्दी। अभी जा रहे हैं मेरे बाल कलर कराने के लिए, और ये चीज मतलब, और वहां जाके ये बोल देना मेरे नीले पीले लाल हरे कर दो। नहीं, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये वाला कलर कराऊंगी। कलर भी महंगे होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगी क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या उन्होंने प्रोडक्ट यूज करे, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कई सालों वाले कुछ भी यूज कर देते हैं और आपको नहीं पता चलता कि आपके हेयर के लिए अच्छे नहीं है। 6 सालों है, यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही यूज होते हैं, इसीलिए मैं जा रही हूँ और आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक हमने मम्मी को नहीं बताया, सरप्राइज होगा मम्मी के लिए। मम्मी को आइडिया है कि मुझे बाल कलर कराने, बट उन्हें ये नहीं पता कि मुझे आज ही बाल कलर करवाने हैं। और गुड्डी, और मौसम देख लो कितना सिटी मारा है आज, दिल्ली का, द्वारका का। ओ मेरे घर पे तो चल गया, क्योंकि मैं कुछ नया करने जा रही होती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा मम्मा डांटेगी नहीं, क्योंकि मैं कोई नीले पीले हरे लाल या ऐसे कोई बाल नहीं करा रही। बहुत गाजरी करवा लूं प्लीज, प्याजी, चॉकलेटी। लड़कियां कहीं कहीं करती नहीं, ब्राउन को सीधे कहेगी अरे यार ये चॉकलेटी कलर। आप भी ऐसी थी, चुप रहो, चॉकलेटी प्याजी तोतिया। भाई ये है वो सैलून जहाँ पे मैं कराने जा रही हूँ, एल्ब्रन, एल्ब्रन ये लिखा हुआ है, हट जा। एल्ब्रन है और इस पे मेकअप और नेल्स भी होते हैं। वाह, मैंने मम्मी को नहीं बताया ना, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है करवाने में कि ठीक है करवाना है नहीं है। क्या लाइटिंग आ रही है यहाँ पे? वाह सर, मेरे को ना ये वाला कलर करवाना है, एक बड़ी प्लीज इसका प्राइस बता दो, और ये बता दो मेरे बालों को खराब तो नहीं करेगा? तो इसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं, बट केमिकल से अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रीटमेंट आता है ओलाप्लेक्स। अगर वो ओलाप्लेक्स डालते हैं तो उससे प्रोटेक्शन हो जाती है। यस। पर इसका खर्चा कितना आएगा? डिस्काउंट लगा के अच्छा बताना। मैम योर हेयर कलर इट्स समवेयर गो अराउंड विद दिस लेंथ इज गो अराउंड 6 inches. पर मेरी लेंथ इससे तो छोटी है। मैं वो हम डाइवर्स कर दूँगा, जो भी डिस्काउंट और एप्लीकेबल होगा आई डू दैट, नो वरी। लेकिन पहले मैं अपनी हेयर डाइवर्स कर दूँ, उसके बाद आज कर दूँगा। चलो ठीक है, एक बार चेक करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अब तो आगे कराना पड़ेगा। ऐसे हो रहे ना अभी तो रजनीकांत जैसे वाले, और वो पिक्चर वाले बाल मेरे मुंह पे सूट करेंगे। वो खुद लड़की थोड़ी डार्क शेड की थी और उसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं भी ऐसी हूँ डस्टी सी, तो मेरे को लग रहा है मेरे को अच्छा लगेगा। फिर किसने दर्शन लगे यार, भैया की शक्ल ऐसी थी ना, अभी मामा शुक्ली भी ऐसे। अरे बेटी, हाँ सॉरी, अरे बच्चे, बाल कलर कराओ खुशी जीवारी। भैया देखते हैं मेरे ब्लॉग्स, इनको पता चल जाएगा। मामा जी को नहीं कह रही हूँ। देखो ये वाले बाल, इसका डार्क स्किन टोन है, मेरा भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। फिर शर्मा है, अपना एक्टर होना चाहिए था। आपका फेस का बिल्कुल एक्टिंग वाला है। फट रही है, ऐसा डिसीजन ले रही हूँ, मम्मी को भी नहीं बताया, और यहाँ 7,000 का, पर वर्थ इट हो, और सारा सामान तो अच्छा लगाते हैं ये तो खैर मुझे पता है, पर मेरे ऊपर सूट करे वो कलर बस इतना हो। ब्लॉग के बिना ना हम कुछ बोलते नहीं है और सांस भी नहीं लेते। आप बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं है, बस वो ऐसी ग्रीसी हो रखी है क्योंकि बहुत दिनों से धोए नहीं ना। भैया उतरेगा कैसे? ये 1500 रुपए का वही है,
जो अलग से ये 1500 रुपए की पूरी बॉटल तो नहीं यही खरीद लेती हूँ। ऐसा जो मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ वो वाला ट्रीटमेंट अगर करा रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट है, भैया ने बताया ये जरूर डलवा लेना और चेक करना कि जो आपके कलर कर रहे हैं बाल वो ये डाल रहे हैं नहीं, है ना भैया। वीडियो बना रही हूँ, खराब कलर मत लेके आना, वायरल कर दूंगी, नहीं था आपको। रुक जाओ, ये कलर क्या, एक बार ये भी दिखा दो। अच्छा ये है वो कलर, ऐश वाला लॉटर है। कुछ आइसक्रीम भी है, बिस्किट्स भी है, आइसक्रीम तो नहीं बिस्किट खा लेंगे। नहीं वो वाली वो महाभारत देखी है वाली नहीं, उसमें जो जिसकी मूछें जैसी होती है, उसकी आपका जो साइड लुक है ना, वो जो बंदा लगता है ना शगुनी मामा, हाँ वैसा। किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया ये पहले? काम कर सकते हो मेरे लिए एक आंख ऐसे छोटी नीचे करके बता, ऐसे बोल सकते हो मेरे बच्चे अभी नहीं। दिस इज अंजलि, हाय अंजलि, मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। सनबर्न हो रहा है। अरे नहीं नहीं बिल्कुल अच्छे लग रहे हो भैया। अभी कलर जो दिखा रहे दिखाना भैया, एक और बार हेलो कर दो, आपका हेलो नहीं आया। भैया अभी मेरे जो बालों में वो ट्यूब कलर लगाएंगे, ये है लॉरियल का, क्या लिखा है इसमें माता जी? मैजिल दिखाती हूँ इतने ओल उतरी की करती रहो ऐसे बस, इतना नहीं उछल कूद करनी। अच्छा ये मेरे आपको भी वही डर लग रहा है जो मुझे लग रहा है? मत डरना, मत जिस दिन आप डर गए मैं खत्म हूँ इस दुनिया से। तुम लोग बोलते हो ना कि मुझे बहुत ज़्यादा था, तेरी कसम बोलने की, तेरी कसम मेरी कसम, तो एकदम से ना भैया ने बोला आपके बाल टूट रहे, मेरी कसम भैया के। भैया पर बहुत ज्यादा हो गए। कलर अभी होगा गाइस, अभी कलर होगा, डोंट डू जस्ट चिल, अभी रुक जाओ, अभी बहुत कुछ काम बाकी है अभी। एक बार भैया को देखना पीछे क्या कर देगा, सास भी आई क्यों नहीं आई। सुंदर कलर है मेरे फेस पे, बहुत सही कलर कर रहा भैया एकदम। लिसनिंग भी हो सकती है, कोई वर्ड्स नहीं है भाई, इतनी सुंदर मैं कभी नहीं लगी अपने आप को। गुलीस काई की गुल्ली, इधर देखो भाई अंग्रेज आए, गुलीस बोल दो ना भाई, कितना सुंदर लग रहा है यार। तुम कमेंट में बताओ कुछ डिफरेंट है या नहीं, झूठ मत बोलना। अंग्रेजन लग रही हो ऐसा तो नहीं लग रहा इंडियन ने अंग्रेज की विग लगा ली हो?